आज ना बच्चों को रोटी नहीं खानी है। मैंने भी सोचा, मैंने कि चलो आज ये रोटी नहीं खाते, मैंने आज और कुछ खिलाती हूँ, लेकिन खिलाऊंगी हेल्दी रेसिपी जो आटे से बनकर के तैयार होगी और एकदम हेल्दी रेसिपी होगी। मैंने तो यहाँ पे आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा ले सकते हैं। ये नॉर्मली आटा है जो हम रोटी या चपाती के लिए बनाते हैं ना, बस वही आटा है। उसमें नमक डली हुई है हल्की सी, और ये आटा बच गया था मेरा आज, तो बस मैं इसी से आज बनाने वाली हूँ अपनी जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और आज मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है तो मैंने सोचा चलिए आज बारिश के मौसम में यही बना लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, आटा हमारा गूथा हुआ यहाँ पे लिया एक बोल। अब इसमें मैं कुछ वेजिटेबल डालूंगी, आप अपने हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है गाजर, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बारीक बारीक चॉप किया है। इसी के साथ मैंने टमाटर लिए हैं। बच्चे क्या है, बच्चे हरी सब्जियाँ खाते नहीं हैं, लेकिन हम भी क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ खिलाएं जिससे कि ये हरी सब्जियाँ भी खा लें और उन्हें पता भी ना चले। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है और प्याज, आप इसमें चाहे तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर मशरूम पनीर पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही वेजिटेबल थी तो मैंने यही ऐड की है। इसी के साथ में मैंने लिया है मिक्स हर्ब, या ओरिगैनो आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ली है चिली फ्लेक्स, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। और स्पाइसी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, मतलब काली मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ नमक, नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमारे आटे में भी नमक है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें कुछ बेसिक से ही चीज़ें हैं जो हमारे घर पर अवेलेबल होती हैं, बस वही डाल सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये सारी सब्जी हमने ऐड कर दी है। अब इसी के साथ मैं डालने वाली हूँ चीज़। चीज़ बड़े हों या बच्चे हों सभी को पसंद आती है। ये मोजरेला चीज़ है, अगर आपके पास में और कोई सी चीज़ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इसे पहले कद्दूकस कर लेती हूँ इसमें। तो ये जो नाना करते हैं ना रोटी सब्जियाँ खाने से, वो भी इसे आराम से खा जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज़ कद्दूकस कर लिया है, अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। चलिए अब इसकी रेसिपी बनाते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ले लेना है हमें आटा। आटे की इतनी लई लेनी है कि जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उस हिसाब से हमें ये आटे की लई ले लेनी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम गैस पर रख देते हैं आयरन का तवा, मतलब लोहे का तवा। इस पे नॉन स्टिक ओवन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से जो हमारे चपाती का तवा होता है ना, वह उसी पे बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से बनाएंगे, जैसे स्टफिंग भरते हैं ना आटे की लई को लेके इस तरीके से, और हमें बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जितनी पूरी होती है ना तो उतना बड़ा ऐसे बना लेना है। इस तरीके से जब बना लेंगे फिर हमें इस पर ऐड करना है थोड़े से हरा धनिया, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसे देख के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है ये सफ़ेद तिल, आप चाहे तो काले तिल भी डाल सकते हैं या कलौंजी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आटा डालेंगे इसके ऊपर और इसको बेल लेंगे, मतलब इसको चिपका लेंगे। बस ये देखिए ये चिपक गया है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टफिंग लेंगे और इसमें स्टफिंग भर देंगे। ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, दो चम्मच मैंने स्टफिंग भर दी है, और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, जैसे कि स्टफिंग भरने के बाद में आलू के पराठे को कर देते हैं ना उस तरीके से, या जैसे मोमोज बनाते हैं वो इस तरीके से हमें बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। आटा हटा देंगे ऊपर से और इसे इस तरीके से रख देंगे। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरा बता देती हूँ आपको, बस पूरी की तरह एक आटा लेना है थोड़ा सा, इस तरीके से लई बनाएंगे इसकी, और इसको थोड़ा सा आटा लगा करके बेल लेंगे।
जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा धनिया, थोड़े से तिल, थोड़ा सा आटा लगा करके इसको बेल लेंगे, मतलब इनको चिपका देंगे। जब ये इस तरीके से चिपक जाएंगे उठाएंगे, स्टफिंग भरेंगे। दो चम्मच स्टफिंग भरनी है और बस इस तरीके से इसे बंद कर लेनी है। ये जो आटा बचा हुआ है इसको चाहे तो आप इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं या फिर इसको तोड़ सकते हैं और इसे इस तरीके से चिपका देंगे। ये लीजिए, तो ये लीजिए हमारे पिज्ज़ा वॉर्म बन करके हो गए हैं तैयार। देखिए यहाँ पे मैंने लोहे का तवा रख दिया है और ये अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। तवा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने बना करके रखे हुए हैं ना, पानी लेंगे और इस तरीके से उठाएंगे जहाँ से हमने बंद किया था, इधर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरीके से और इसे तवे पे चिपका देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें ये लगा देना है, पानी लगा करके ही चिपकाना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और झटपट से बन करके हमारे ये पिज़्ज़ा बॉम होंगे तैयार। तो चारों को मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और हेल्दी रेसिपी है। और इन्हें सिकने देते हैं एक साइड से, इन्हें ऐसे खुला ही पकने देंगे। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, लेकिन ये खुले में थोड़ा सा और अच्छे पक जाएंगे। और पकाने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसे इसी तरीके से पकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये सीख जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी ना कैसे सीखना है। देखिए 1 से 2 मिनट के बाद में जब ये थोड़े से ड्राई होने लगेंगे ना, तो इनके ऊपर आप तेल, घी या बटर लगा सकते हैं और चाहे तो इनको इसी तरीके से भी सीखने दे सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ, इनसे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए अब 2 से 3 मिनट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे इस तरीके से लेंगे और इन्हें इस तरीके से उल्टा कर देंगे तवे को और नीचे की साइड से सेकेंगे। बस देखिए इस तरीके से सेक लेना है। तो ये दोनों साइड से जैसे हम तंदूरी रोटी सेकते हैं ना, तो और ये देखिए हमारे ये कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। मैं आपसे फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहूँगी कि इन्हें पतला करके थोड़ा ना बेलिएगा, क्योंकि पतला होने से क्या होता है कि ये देखिए फूलते हैं ना, तो ये इस तरीके से फट जाते हैं, तो इस तरीके से ना कीजिएगा। क्योंकि ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा मोटा रखे थे और ये दोनों पतले बनाए थे, मतलब ये थोड़ी चीज़ अंदर से निकलती हुई दिखेगी ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये हमारे सिक करके हो गए हैं तैयार। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो पिज़्ज़ा रोटी सभी का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। चलिए गैस की फ्लेम बंद कर। वाओ खुशबू, और देखिए चीज़, ये दिख रही है ना आपको चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हुई है। चलिए अब इसको सर्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये छुट करके तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से उठाएंगे और इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बन करके तैयार हुए हैं हमारे। ये देखिए इसे हरी चटनी या टमाटर केचप के साथ में सर्व कर सकते हैं। और देखिए आगे से भी इतना प्यारा कलर आया है और दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से सिक गए हैं। और ये देखिए चीज़ देखिए हमारी कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हुई है। ये देखिए चलिए मैं इसे टमाटर सॉस के साथ में सर्व करने वाली हूँ। ये लीजिए परफेक्ट हमारे ये पिज़्ज़ा बॉम हो गए बन करके तैयार। देखिए देखने में भी एक यूनिक तरीका है। चपातियों को मना करते हैं तो इस तरीके से आप बना करके खा सकते हैं। मैंने तो ये आटे से बनाया है, आप चाहे तो इसे रोटी से भी बना सकते हैं। और ये देखिए चीज़ देखिएगा, और वेजिटेबल भी हमने सभी डालिए, ऐसा नहीं है कि वही वेजिटेबल डालिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारा। अब बच्चे ना भी करेंगे ना तो भी इस तरीके से खा जाएंगे, क्योंकि देखने में भी इतने लाजवाब लग रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म इंजॉय करने, आप इस तरीके से बनाइए खाइए।